अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग के हवाले से है। लाइक जैसे बेडशीट वगैरह जो है मैंने परचेज़ की हैं और साथ में जो है बाकी चीज़ें, बर्तन वगैरह, तो सोचा कि आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर करूँ क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने मार्केट इस चीज़ के लिए विज़िट किया। तो काफ़ी टाइप की जो है ना यहाँ पे बेडशीट जो है वो आई हुई थी। वैसे तो मैंने ज़्यादा ओपन नहीं करवाई क्योंकि जो है वो टाइम पहले ही काफ़ी शॉर्ट था, तो कुछ जो है बेडशीट्स मैंने ओपन करवाई थी जो कि काफ़ी स्टफ़ भी अच्छा था और बेडशीट्स भी जो थी काफ़ी सॉफ्ट थी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा, ये जो बेडशीट इन्होंने दिखाई ये वेलवेट की बेडशीट है और ये कलर ब्लैक था और साथ में इसके ऊपर प्रिंटिंग भी हुई और साथ में इसके ऊपर बड़ा सॉफ्ट सा जो है वो इसका टेक्सचर था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। साथ में मैं थोड़ा सा आपको क्लोज़ करके दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह के इसके ऊपर ये देखें ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है, साथ में उसके ऊपर जो है वो ब्लैक और स्किन कलर का कंट्रास्ट था। बेडशीट और कपड़ा बहुत ही ज़बरदस्त है और ये मेरे ख्याल से हर मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका रेट जो था, जो इन्होंने मुझे रेट जो बताया, इसका रेट था 8,000 से 9,000। कलर्स इसमें बहुत ही ज़बरदस्त थे, ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, मतलब हर कलर में ये बहुत अच्छा लग रहा था। स्टफ़ इसका बहुत अच्छा है, बेडशीट भी थी इसके साथ और साथ में मज़े की बात की इसके अंदर जो है वो आपको कंबल भी साथ ही मिलेगा ना, और साथ में टू पिलो कवर्स, और साथ में फिर मैंने एक मैरून कलर की बेडशीट ओपन करवाई थी, वो कुछ इस तरह की थी लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आई। इसकी थोड़ी सी फ्रिल जो यहाँ पे साथ में लगी हुई थी ये कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, और ये जो था थोड़ा सा वेलवेटी कपड़ा था, उसमें साथ में सेकंड कलर जो था उसका ये वाला था, लेकिन जब इन्होंने मैरून कलर का एक और वो वेलवेट की थी वो उसका स्टफ बहुत ज़बरदस्त है मैरून कलर का। वैरायटी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है बेडशीट्स की, लेकिन इनके प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो इंक्रीज़ कर गए हैं, और अगर आप ब्रांड की तरफ चले जाते हो तो आपको उसके अंदर जो है वो सेल में वही चीज़ जो है वो 26,000 की जो है वो बेडशीट सेट जो है वो मिलता है, पर अगर आप बाज़ार का मार्केट का रुख करते हो तो इसकी जो कीमतें हैं वो 8-9 हज़ार से स्टार्ट होती हैं और फिर जो है वो आगे तक जाती हैं। और साथ में ये वेलवेटी स्टफ़ से ये तो मुझे बिल्कुल जो थोड़ा से नहीं अच्छे लगे, इसने एक और बेडशीट ओपन करके दिखाई थी कुछ इस तरह की, ये नेट की बेडशीट थी, सॉफ्ट नेट थी, साथ में इसके साथ वेलवेट का कंट्रास्ट था, लेकिन ये मुझे इस वजह से नहीं सही लगी क्योंकि इसके नीचे जो है वो वाइट कलर की जो इसकी अपनी एक बेस है वो प्रमानेंट हो रही थी, तो मैंने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया। और जो नेक्स्ट मैंने परचेज़ की थी वो मुझे वेलवेट में उसका वो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो सॉफ्ट थी और उसकी प्राइस जो थी वो भी तकरीबन कोई 15,000 थी वो, और क्योंकि कपड़ा जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए बेडशीट का, तो इसीलिए जो है वो मैंने परचेज़ की। साथ में इन्होंने मुझे मैरून कलर में इस ये भी दिखाया, लेकिन इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडर्ड ये डिज़ाइन बना हुआ है ये थोड़ा सा ओवर लग रहा था, ये मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, तो बट मैंने इसे जो है वो मना कर दी कि ये नहीं। साथ में इन्होंने मुझे एक कुल्टिंग की जो है थी बेडशीट वो दिखाई, कुल्टिंग की बेडशीट में भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, तो डार्क कलर की जो बेडशीट थी वो मैंने परचेज़ कर ली थी, तो सोचा कि एक कुल्टिंग की दूसरी वाली भी देखें, वो मैं आपको जो है वो आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ ब्लैंकेट्स थे, ये जिसको कहते हैं AC ब्लैंकेट्स, तो यहाँ पे मैंने इसमें से 2-3 ब्लैंकेट्स जो हैं वो मैंने परचेज़ किए थे, ये आपको मैंने उसे बोला था ये ब्लैक कलर के कलर का जो है वो ओपन करके दिखाएं क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो फेवरेट है मेरा, बट इसमें कुछ ये वाला ब्लैंकेट जो है वो कुछ इतना ख़ास नहीं लग रहा था, तो बहरहाल ये फिर मैंने रिजेक्ट करवा के तो फिर उसका जो है वो दूसरा कलर ओपन करवाया, लेकिन इस मार्केट में इसके अंदर भी जो है ना क्वालिटी आई हुई, मतलब एक नंबर क्वालिटी, 2 नंबर, तो ये आप ज़रा ध्यान से लीजिएगा क्योंकि 2 नंबर क्वालिटी को भी ये लोग जो है 2500 से 3500 में सेल करते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट जाते हैं और आपको इस तरह का ब्लैंकेट लेते हैं तो आपने इनको 2000 की रेंज से ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं देना। तो साथ में ये जो है एक सेकेंड कलर मैंने ये देखा था, लेकिन ये भी जो है वो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, तो इसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि ये ज़रा ओपन करके दिखा दें, तो ये वाला कलर जो है था वो कुछ दिल को लगा, तो सोचा चले ये वाला जो है वो ब्लैंकेट ये वाला परचेज़ कर लेती क्योंकि कलर भी डार्क है और अच्छा भी लग रहा था, प्रिंट भी इसके ऊपर खूब अच्छा सारा बना हुआ था। साथ में ये मैंने कुल्टिंग की एक बेडशीट थी, मैंने कहा ज़रा इसको ओपन करके दिखा दें, तो ये मैंने ओपन करके जो है वो देखी, तो ये भी मुझे मतलब अच्छी लगी और काफ़ी सॉफ्ट है,
काफ़ी सॉफ्ट है और इसके ऊपर डबल कंट्रास्ट में थी वाइट में और ये पीच कलर था, सॉरी टी पिंक कलर में अच्छा लग रहा था, बट ये जो वाइट कलर है था इसके साथ ये कुछ इतना ख़ास नहीं लग रहा था, तो फिर मुझे इस वजह से जो है मैंने ये रिजेक्ट कर दी। पिलो कवर्स भी जो थे इसके जो है वो सेम कलर्स में जो थे मिल रहे थे। चले यहाँ से हम जो है फ्री हो गए थे इनसे जो है बेड शीट्स और ब्लैंकेट्स वगैरह और कर्टन्स वगैरह जो हैं वो परचेज़ किए थे मैंने, और साथ में उसके बाद नेक्स्ट में थोड़े से बर्तन क्रॉकरी वगैरह परचेज़ करनी थी। तो हम जो है उसके बाद यहाँ से फ्री हो के तो हम अब जो है थोड़े से बर्तन देखने जाएंगे। बर्तन भी मार्केट में इतने प्यारे प्यारे इतने खूबसूरत खूबसूरत बर्तन आए हुए हैं कि देखते ही जो होता है कि ये भी हम लोग परचेज़ कर लें और ये भी ले लें इस तरह ना। तो वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है चीनी के बर्तन की, और जो है वो मार्बल के बर्तन जो हैं वो भी आए हुए हैं, सेट्स बहुत ज़्यादा डिनर सेट्स के अंदर बहुत ह्यूज वैरायटी है, तो आपको चूज़ करने में इतना मुश्किल लगता है ना कि अब अगर आपने एक या दो परचेज़ करने हैं तो आप उनमें से जो है वो कौन से परचेज़ कर दो, क्योंकि बर्तन लगते ही बहुत खूबसूरत है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि जब आप उनको अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर जो सेट करते हो तो जो शो उस वक्त आती है ना तो वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। खैर यहाँ पे जो है वो परचेज़ करने जा रहे हैं मैं थोड़े से बर्तन, ये थोड़ी सी मैंने यहाँ पे बर्तनों की जो वैरायटी थी थोड़ी सी कैमरे में शूट कर ली थी। तो जी ये उन्होंने कहा कि आप हम ज़रा ऊपर चले जाए, ऊपर जो है वो वैरायटी ज़्यादा है। तो ये हम जो है वो बर्तन जो है देखने ऊपर चले गए, देखें कितने कितने खूबसूरत जो हैं बर्तन हैं, बर्तन देखने में शीशे के वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो खैर यहाँ पे ये डिनर सेट थे और इनकी जो प्राइस स्टार्टिंग प्राइस जो है इनकी यहाँ पे 55,000 से कम नहीं थी, जो मैं आपको दिखाई जो सामने पड़े हुए ये जो स्टार्टिंग रेंज 35,000। यहाँ पे जो ये बड़ा खूबसूरत सा एक सूप बाउल था तो मैंने कहा ज़रा दिखाएं, बट ये था कि इसका डिज़ाइनिंग सिर्फ इस तक ही अच्छी लग रही थी, मतलब बाउल और प्लेट, बट अगर आप सूप की वो बाउल की बात करें तो वो इतना कुछ खास नहीं लग रहा था। यहाँ पे ये वाला सेट भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, साथ में ये सेट भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन होना चाहिए कि इतना जो आपका बाउल है उसमें जो है वो पूरा का पूरा अगर आप अपना खाना बनाते तो ये बहुत डीप थे, मतलब आप पूरी की पूरा प्रेशर आधे से ज़्यादा इसके अंदर डाल सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुनासिब लिया जाए कि मतलब इतना ज़्यादा डीप ना हो और उसके अंदर जो है एक हाफ क्वांटिटी जो है अगर हम बनाएं तो उसके अंदर जो डाल के जो है वो अच्छी लगे, तो इतना साइज़ का ये जो था बाउल मुझे चाहिए था। तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत लगे हुए थे, जिसमें से जो है वो मैंने एक दो जो है वो पसंद किए जिसके ऊपर वो जो थी डिज़ाइनिंग, ये जो आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी नाम ले रहे थे ये बर्तन वाले कि ये कुछ इस तरह की वैरायटी है और ये इस तरह की वैरायटी है, तो बहरहाल वैरायटी तो बहुत ही सारी बहुत खूबसूरत थी। और इस तरफ सारे के सारे इन्होंने अपने स्टील के जो है वो बर्तन लगाए हुए थे, जैसे प्रेशर कुकर और ये जो बड़े बड़े ह्यूज साइज़ के जो है वो पतीले होते हैं। साथ में ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये था बेसिकली टी कॉफ़ी सेट, बहुत ही ज़बरदस्त था, ये भी मैंने परचेज़ किया। रास्ते में जाते जाते मैंने सोचा एक जो है वो शॉपिंग जो अब हमने करनी है स्टार्ट सिस्टर के लिए, तो क्यों ना जो है वो लहंगे की डिज़ाइन देख ली जाएँ, तो इसमें से हमें उसने ये वाला लहंगा दिखाया था। ले जी यहाँ पे हम जो है वो घर आ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करके घर वालों को भी जो है दिखा रहे हैं कि हम लोग क्या वहाँ से लेकर आए। तो यहाँ पे ये डिनर सेट जो उसने पैक कर दिया था इसलिए मैंने वहाँ पे जो है वो शूट नहीं किया, ये कुछ इस तरह का था जो मैं लेकर आई हूँ। इसकी ट्रे बहुत ही खूबसूरत है, वाइट कलर का ये डिनर सेट है, और जी ये इसकी ट्रे जो है ये कुछ इस तरह की है, ये इसके ऊपर डिज़ाइनिंग जो है ये सारी की सारी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई है, मतलब डीप और इस डिज़ाइनिंग को पता नहीं क्या कहते, बहरहाल डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत हुई है। ये इसकी जो है वो प्लेट है, और साथ में जो है यहाँ पे इसके जो बाउल है चोरस स्क्वायर स्क्वायर ये है, ये इसका जो है कस्टर्ड बाउल कह लें ये इस तरह का है, और सारा सेट जो है ना ये स्क्वायर में है। तो ये सेट बहुत ही जिस जिसने देखा था उनको तो अच्छा लगा, आपको पता नहीं जो है वो कैसा लगा होगा, क्योंकि वाइट बर्तन मोस्टली जो है वो गोल्डन लोग पसंद करते हैं, मतलब गोल्डन कलर के जो बर्तन हैं लोग पसंद करते हैं।
तो मुझे तो ये वाला अच्छा लगा था तो मैंने ये वाला परचेज़ कर लिया। साथ में ये बेडशीट सी ये वाली परचेज़ की, ये भी कुलथिंग की बेडशीट है और लाइट कलर है, क्योंकि गर्मियों में समर्स में लाइट कलर अगर बेड पे बिछाओ तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो साथ में ये बेडशीट थी और साथ में ये जो मैंने आपको पहले भी उधर जब मैंने शूट किया था तो ये कुछ इस तरह का सेट था, ये कॉफ़ी सेट जिसके अंदर ये 6 कप्स हैं, जो 2-3 बड़े और 3 थोड़े से छोटे। तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और साथ में मैंने ये नेवी ब्लू कलर की जो है वो परचेज़ की थी, और साथ में ब्लैंकेट्स वगैरह थे जो मैंने आपको वहीं से जो है वो शो कराए। और ये बेडशीट थी जिसकी मैं बात कर रही थी आपके साथ, इसकी जो जो इसके ऊपर जो बना हुआ सॉफ्ट डबल क्विल्टिंग के साथ, उसने मुझे बोला था कि डबल क्विल्टिंग के साथ बनी हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो सोचा कि फिर ये जो है इसकी प्राइस जो थी वो 15,000 थी, और साथ में ये कर्टन से जो इसके साथ जो है वो मैंने मैच करके लिए थे। थी शॉपिंग आज की, बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी हो शॉपिंग जो है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, बताइएगा कैसी है और कैसी लगी है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।